तो कौशिक परी फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल चपाती पाई। मेरा नाम है पामियन, वेलकम टू अपनी मस्त वाली दुबई सिटी। और आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बंदे जो है सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो बेसिकली आपको चैलेंज तो पता होगा कि अगर 10 मिलियन होते हैं तो हम अपना डायमंड का प्ले बटन खोलेंगे एंटार्क्टिका के अंदर। लेट्स गो। आज अपनी दुबई सिटी के अंदर एक बार फिर से मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, और काम करने से पहले मेरे को थोड़ा बहुत मटन खाना है। बचाओ भाई, चपाती भाई कहाँ पे हो? तू है किधर पहले ये बता मेरे को। अरे बचाओ भाई, भाई किधर हो? उसको छोड़ो भाई, पहले बचाओ मुझे। तू है किधर भाई? जब मेरे को पता नहीं होगा कि तू किधर मर रहा है तो भाई मैं तेरे को बचाऊं कैसे? अरे भाई मैं लाइट हाउस के पास हूँ, फिशिंग कर रहा हूँ, फिशिंग वाले भाई, ओ ये आज तो लॉगी की दुबई सिटी के अंदर छुट्टी है, तभी वो गया फिशिंग करने। वो रहा मेरे को दिख रहा है, रुक लॉगी में आ रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या भाई? देख रहा हूँ भाई, बाकी पानी के अंदर जो मोटे से दरिंदे घूम रहे ये नहीं दिख रहे? अरे यार गाइस, मैं आपको बताना भूल गया कि दुबई सिटी के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। कहीं से शार्क आ चुकी हैं। कहां पर? वो भाई ये शार्क बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। ओ भाई साहब, भाई मेरे को देख के पागल हो चुकी है। ए मेरे को मत मारो, मैं टेस्ट से नहीं हूं। लॉगी को मारो, लॉगी को दांत खींचता हूं इसका। इधर आ, दांत खींचता हूं वो तेरे को अंदर पानी के अंदर खींच लेंगी। तो बेसिकली ब्रोस, ये जो हमारी छोटी सी यहाँ पर जो लेक बनी हुई है ना, ये भाई मेरे को क्या काटा उसने। वो भाई भाग जाओ यार, भाई मैं मुझे भी बचाओ यार, मैं सामने कैसे आऊं? ये नूबड़ी शार्क पानी के अंदर कैसे काट रही है भाई? ये तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था। पर एनीवेज मैं ये बता रहा था कि ये जो अपनी जो लेक है ना, ये इवेंचुअली कनेक्ट करती है समंदर से। तो मे बी समंदर से भटक भटक के ये शार्क जो है अपनी सिटी के अंदर आ चुकी है भाई। हमने मैंने लॉगी को 10 बारी बोल के रखा है कि यहाँ पर हमें छोटा सा डैम बनाना है, लेकिन नहीं, बात तो मानता ही नहीं है। अरे भाई अभी फंसा रहा तू। अबे भाई बचाओ मुझे यार, बचा रहा हूँ तेरे को। ओके मेरे को आराम आराम से जाना है। तेरी फेस की ये मेरे को कैसे मार रही है? क्या नूबड़ापंदी कर रहे हो? मेरे पास तीर कमान भाई टिप्पे, मेरे पास एरो ही नहीं है यार। सॉरी, कौन लेकर आता है भाई? भाई मैं मरने वाला था, एक काम करता हूँ, गोल्डन एम्बल खा के एक को तो मारा तरवार था तेरी भैंस। क्या ये लो, पकड़ो, मैं यहाँ से फेंकता हूँ एरो। कैसे फेंकेगा तू? मैंने फेंक दिया भाई, जाके जल्दी से ले लो। नूपड़ी शार्क को दे रहा है क्या तू एरो? रुक जा, अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो शार्क भी इस तरफ आ जाएगी, और फट से जाके मेरे को यहाँ से एरो लेना है। बच गए भाई, बच गए। तेरी भैंस की, रुक मैं एरो लेके आता हूँ। आ रहा हूँ भाई, जल्दी करो भाई। वो देखो, वो वाला एरो भी अभी ऊपर आ चुका है। तेरी भैंस की, ये ले एक और ले। आज ब्रोस हम लोग खाएंगे खाने के अंदर शार्क का मटन। हाँ बहुत भाई, बहुत बहुत तुम्हारा दांत निकल गए यहाँ पर, शार्क शार्क बहुत कर रहा है। और अब तू नीचे आ जा। तेरे को किसने बोल कर रखा था कि पानी के बीच के अंदर जाके फिशिंग कर? नुकड़े फिशिंग करते नॉर्मली किनारे से। भाई मैं यहाँ से फिशिंग कर रहा हूँ, लेकिन भाई सारी मछलियाँ पानी के उस साइड पे थी। ओके, हमें ना लॉग इन शार्क्स को ना ठिकाने लगाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, और उनको ठिकाने लगा भाई, कहीं तो नहीं की थोड़ा यहाँ पर आके बात करते हैं भाई, कहीं बाहर ना आ जाए यार। सुन जाए, सुन रही है, सुन। ओके, उनको ठिकाने लगाने के लिए हमें ऑब्वियसली खतरनाक वाला वेपन चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है थोड़ी देर के बाद फिर से आ जाएंगी। और उनको ठिकाने लगाने के लिए हमें मिलना पड़ेगा बाबा टीटू से। चलो चलो, रुक जा, मैं उनसे पहले मिल चुका हूँ, और उन्होंने मेरे को नक्शा देकर रखा हुआ। एक कोऑर्डिनेट्स दिए, और वो कोऑर्डिनेट्स हमें लेके जाते हैं एक पोर्टल के अंदर, और उस पोर्टल के अंदर हमें मिलेगा खतरनाक मैजिकल हो, और उस हो से हम बना सकते हैं खतरनाक वाली पावर। और आप भी निकलते हैं पोर्टल से, और ये रहा अपना फाइनल ट्रैप। लगी इधर भाई, ये रहा आपके पीछे ही तो खड़ा हूं भाई मैं। डरा दिया भाई। हैंग ऑन अ सेकंड, ध्यान से जाइए कहीं लावा के अंदर शार्क ना हो। ओके, और अभी ये वाला बाबा जो है दुर्लागी कुछ ज्यादा ही अमीर लग रहा है मेरे को। नूबड़े नेदरलैंड के ब्लॉक लाकर रखे हैं यहाँ पर यार। वो तो मैं देख रहा हूँ यार, वो तो मैंने आते ही नोटिस किया, और सामने देखो कितने मोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। ऊपर कोरिंग चैंपियन इट्स कमिंग मेरे भाई, देख रहा हूँ बहुत ज्यादा जबरदस्त। ओके, चेस्ट के अंदर क्या है? एंडर पर मेरे को मिला। तो अगर मैं यहाँ से फेंक के देखू तो पहुंच गए ना। देखा, इसे कहते हैं शॉर्टकट अपना। ओके, तो ये है वो चमत्कारी हो जिसके बारे में हमें बाबा जी ने बता कर रखा था। तो अगर मैं बाल्टी के ऊपर क्लिक करूं तो प्यास की वो क्या मिला भाई आपको? यो, ये सामने पार्टिकल कैसे निकल रहा है भाई? मेरे आसपास देख भाई, मेरे पास तो चमत्कारी पावर आ चुकी है, जल्दी आ। तो मेरे अंदर से भी निकल रहा है। वो तेरे पास तो हो भी नहीं है। अभी यहाँ पर उठा अपना हो, उठा जल्दी करा, जा जा, चल चल चल, उठा उठा उठा। कहां पर है भाई मेरा स्पेशल हो? ये ऊपर 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 उठा। अच्छा, अभी ऊपर है। एक बार मैं ऊपर से निकालता हूँ। ओके, मैंने निकाल लिया भाई साहब, देख रहा है। ओके, अभी उन शार्क्स की मौत आएगी। चला निकलते हैं यहाँ से। अभी मेरे को ये फिगर आउट करना है कि इस हो का मैं करूँ तो क्या करूँ भैंस? क्या कितने सारे ऑप्शन इसने मेरे को देकर रखे हैं यहाँ पर यार। ऐसा लग रहा है कि ये हो काम आएगा फार्मिंग के लिए। ज्यादा आ चुकी है, पूरा गैंग आ चुका है शार्क्स का यार यहाँ पर। तो रुक जा, क्या करेंगे? हो चला के देखो। मेरे को कुछ मिला यहाँ पर भाई? कैसे मिला यार? यार मेरे को ये देख भाई, ग्रास के अंदर से चीजें निकल रही हैं। अरे मेरे को मस्त वाले
सीड्स मिल रहे थे। काम करते हैं, अगर मैं ये हो को ऐसे माइन करके देखूं, इसको भी यहाँ पे तोड़ूं, इसको भी यहाँ पे तोड़ूं और इसको भी यहाँ पर लगा के देखूं, तो भाई ये देखो कुछ नई प्रकार की चीजें मिली है मेरे को यहाँ पर। ये तो बिल्कुल भाई शार्क की तरह लग रहा है, देख रहे हो ना? लिटरली भाई मेरे को लगता है कोई शार्क वगैरह का आर्मर हमें दे कर रखा है इन लोगों ने। ओके चपाती भाई मैं समझ गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ से हमें सीड्स मिलेंगी हमें वहीं से गाइस और ज्यादा कस्टम चीजें भी मिलेंगी। एक सीड यहाँ पानी के अंदर पड़ा हुआ, देख काम कर लोगे तो थोड़ी बहुत और सीड्स लेके आ। इन द मीन टाइम मैं इनका वेट करता हूँ और मेरे को एक्चुअली देखना है कि इससे निकलता क्या है। भाई वो वाली मैं निकालता हूँ, फिशिंग रॉड से निकालता हूँ। और लेट्स गो भाई, लॉगिन ने शार्क के मुंह से सीड निकाल लिया। ये नूबड़ी शार्क देखती ही रह गई। भाई इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए इसको उगने में यार। कम ऑन, वो लॉगी क्या हुआ भाई? आ रहा हूं। अरे कुछ निकला यहाँ से, एक मिनट आ रहा हूँ मैं। ओ भाई साहब ये क्या चीज है भाई, ये तो खतरनाक वाली चीज मेरे सामने आ चुकी है। मैं साथ में दो तीन और सीड भी लेकर आया हूँ। नाइस 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 भाई साहब, अभी इसको तोड़ना नहीं है मेरे को। ओ माय गॉड, ये तो डायमंड है। हैंग ऑन अ सेकंड, लॉगी यहाँ पर तो डायमंड निकले हैं। वो डायमंड कैसे निकल रहा है? अगर मैं इसको फट से, अरे भाई अभी शार्क के मुंह के अंदर जाने वाला था तो ये मेरे को क्या मिला? ओ भाई साहब मेरे को मिला यहाँ पर ग्रास डायमंड, ये ले दो मिले एक तेरे एक मेरा। ओके अभी अभी हमें और माइन करने हैं। आई थिंक इस ग्रास डायमंड का हमें कुछ ना कुछ बनाना है और इवेंचुअली उस चीज से हम शार्क्स को यहाँ से भगा सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं। बना बना और बना और बना। ओके गाइस तो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरे पास आ चुकी है 11 डायमंड से। काम करते हैं फटाफट से, मेरे को क्राफ्टिंग टेबल तोड़ना है, आई मीन बनाना है और वहां पर मेरे को एक्चुअली देखना है इन 11 डायमंड्स की आखिरकार क्या रेसिपी होगी। ओके तो मेरे पास यहाँ पर वुड भी आ चुकी है। ओके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं और मेरे पास एक्चुअली ये वाला हो है हो ऑफ कस्टम डायमंड, अगर मैं यहाँ पर लिखूं हो तो ओ भाई एक और हो भी है यहाँ पर, एक और आ चुका है। ओके हो ऑफ ग्रोइंग, नाइस। तो इसके लिए मेरे को चाहिए डर्ट वाले डायमंड, साथ में दो एमरल्ड, साथ में बोन मील। तेरे पास बहुत माल है लॉगी, प्लीज जा गांव वाले को लूट के लेके आ प्लीज। एमरल्ड मेरे पास है, बोन मील आपको खुद से लेकर आना पड़ेगा। रुक मैं बोन मील लेके आता हूं, मेरे पास उस स्केलेटन वाला फार्म तो है ना। रुक जा मेरे पास होगा ऑलरेडी। अरे यार नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, मेरे को बताया मेरे गोदाम के अंदर बहुत माल है तो वहां पर बोन मील भी होगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कचरा पड़ा हुआ है, भैंस की कहां पर छुपा कर। ओ तेरी, नाइस 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 मिल गया मेरे को। आजा 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 आजा। ओके तो अभी मेरे को रखना है ये यहाँ पर, रुको रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो ये देखो रेसिपी अपने हाथ में। लेकिन हुआ क्या अभी भाई? अभी अभी यहाँ पर कुछ तोड़ के देखो यार। अभी तो ग्रो कर पहले, ये देख ये सीड चक और ग्रो कर, यहाँ पर डाल इसको यहाँ पर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे डालूं, वाओ एक ही बार में ऑटोमेटिक बोन मील यहाँ पर आ गया। खतरनाक है यार, अभी हमें वेट करने की जरूरत भी नहीं है भाई। ऑलराइट, इसका मतलब ये है कि हमने कोई रेसिपी अनलॉक कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पर जाके देखूं, अरे भाई मुझे यहाँ पर मिल चुकी है भाई, इस चीज का नाम है डर्ट हैंड। क्या है डर्ट हैंड भाई? यहाँ पर एक चीज आ चुकी है। इसके लिए मेरे को चाहिए एक डर्ट ब्लॉक और साथ में 5 डर्ट डायमंड। ओके तो मेरे पास तो बहुत सारे आ चुके हैं। अरे मेरे को डेड ब्लॉक चाहिए ना। ओके तो अगर मैं यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करके देखूं तो फट से ये रहा ब्रो अपना डेड हैंड। तूने बना लिया क्या? मेरे पास भी अभी आ चुके हैं। ये क्या है आपके पास? ओके अभी ये मारते अपनी शार्क्स के ऊपर। कम ऑन नूबड़ी शार्क्स, ये लो कम ऑन मारो। होता भी नहीं है कुछ, कुछ कुछ भी नहीं हो रहा भाई। ये हैंग वाला सेकंड कुछ तो होता होगा यार, कुछ भी नहीं हो रहा इससे। रुक जा अगर मैं जमीन के ऊपर क्लिक करके देखूं, क्या इसको पहनना है क्या मुझे? अगर मैं इसको मैं पहन भी नहीं पा रहा इसको क्या कर। ओ हैंग वाला सेकंड, मैंने पहन लिया इसको यार। चलना तो चाहिए यार, पता नहीं क्या हो गया इसको। भाई हो गया, चल रहा भाई। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया। वो एक्चुअली अपना भी चल रहा है यार, ये देखो गाइस इस भैंस की नीचे गिर गया यार। बट एनीवेज इसके अंदर गाइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली पावर है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक, ओह माय गॉड एक्चुअली में खतरनाक है यार, एक्चुअली में भाई ये वर्थ है यार ये लेना। ओके अभी इसको मार दे शॉक्स के ऊपर, आ जा बहुत दिमाग खराब। ये तू क्या चेस्टे खोल रहा, सारी चेस्टे खाली होती है यहाँ पर यार। मुझे लगा यार अंदर मोटा माल पड़ा ये होगा। रही शॉक्स, अभी देखो तो भैंस की गायब हो गई यार। सामने एक बैठी हुई है भाई, इसको शॉक्स को तो मैं डिफरेंट टाइम जोन के अंदर भेजता हूँ, तो अंदर आके दिखा मेरे को। आ गई, ओके हमें लगी कुछ ना कुछ तैयारी करके खतरनाक वाला वेपन बनाना यहाँ पर। यहाँ पर जो चेस्ट पड़ी है ना, सबसे पहले अगर मैं ये तोड़ के देखूं तो मेरे को लगता है कि इन चेस्ट प्लेट से कुछ ना कुछ यहाँ पर बनेगा अपना। तो पहले वाले चेस्ट से मेरे को कुछ नहीं मिला, तो अगर मैं दूसरे वाला चेस्ट तोड़ के देखूं तो आई थिंक कुछ भी नहीं निकलेगा। व्हाट, मैंने देखा कुछ, ये क्या है? वो पिन से यहाँ पर निकले, क्या निकला भाई? तू बिलीव नहीं करेगा भाई क्या? हाँ मैंने नहीं कर रहा, मेरे को मिल रहा चेस्ट सीड। वो चेस्ट की कौन सी सीट होती है भाई? मतलब हैंग हो रहा है सेकंड। रुको 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 भाई, मेरे को पूरी प्लानिंग समझ में आ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पर हो मारूं एक और ये दो और इसके अंदर मैं ग्रो करूं चेस्ट सीड एंड फट से अनलिमिटेड चेस वाले डायमंड। भाई मेरे को ये थोड़ी बहुत और ग्रो करने हैं।
सबसे पहले ना मेरे को यहाँ पर इन चेस का एक चेस प्लेट बनाना, क्या मैं इसका बना सकता हूँ क्या चेस प्लेट? रुको अगर मैं यहाँ पर लिखूं और एक्चुअली बनता है, वाओ इसकी भाई रेसिपी भी एकदम से डिफरेंट है, लेट्स गो। अभी ये चेस प्लेट, वो ये कौन है भाई? हेलो प्लेट टाइम, ये कौन है भाई? ये कौन है भाई? भाई आई थिंक ये शार्क्स को मैं मारने में मदद करेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो ये कुछ कर भी नहीं रहा, तेरे को कैसे नहीं पड़ी? भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इस हो की मदद से मुझे स्पेशल पावर मिल रही है। रुक जा तेरी भैंस की, तेरे को पड़ कैसे नहीं रही ऊपर तेरी? सॉरी 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 सॉरी, मेरे को पता नहीं था कि मेरे पास आगे की सोर्ड है, और लेकिन ये है कौन है नुबड़ा? हेलो, तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं तो ये मेरी इन्वेंटरी है। मतलब कि मैं अपने फालतू का सामान, ए कहीं मेरा सामान लेके भाग मत जाइयो। गया कहां वो भाई? आई थिंक ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हेलो चाचू। अरे चपाती भाई दादा दूर जाके देखना। नहीं ये मेरे पीछे पीछे, एक्चुअली ब्रो ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है, इधर आके देख। हेलो मामा, ये मेरे पीछे अब नहीं आ रहा, लगता मर गया ये। ओके अभी फॉलो कर रहा है लिटरली, आई थिंक स्लो है भाई, खेल रहा है। ओके मेरे को लगता है कि ये बैट हो सकता है। एक काम कर, तेरे को ना वहाँ पानी के अंदर शार्क्स हैं, तेरे को शार्क्स मारनी है, देख रहा है वो सामने पानी के अंदर, तो अगर मैं पानी के अंदर जाके इन शार्क्स के ऊपर अटैक कर, भाई शार्क्स ने क्या डिस्ट्रक्शन करके रखी हुई यहाँ पर, अगर मैं इसको हाथ से मार के देखूं तो वो पीछे आ रहा भाई, आ रहा है क्या वो मेरे पीछे आ रहा है क्या वो? अभी वो लोड हो रहा है भाई, लोड हो रहा है इसकी, पड़ी उसको, लेट्स गो पड़ी, ये तो मेरे को मार रही है। अरे बाहर आ जाओ भाई, का पेट कुछ भी नहीं कर रहा, सामने से नजारा ही देख रहा है वो नूबड़ा पेट। मेरे को लगा था कि ये अपनी हेल्प करेगा, मैं बहुत गंदा बच चुका हूं, लगे मेरे को बचा। ओके निकल गया रास्ता, मेरे को मिल गया रास्ता बाहर आने का। ओके क्लिक क्लिक क्लिक, अबे तेरे को मेरे पीछे आना था यार, ये पागल बंदा है ये, बैटरी खत्म होगी इसकी, नूबड़ा पॉपी प्लेट है मैं यार ये तो। देख भाई तेरे को शार्क्स को मारना है यहाँ पे, तू बात मेरी मानता क्यों नहीं है? अरे सामने देखो भाई सामने, ये कौन है अब भाई? उसका भाई यहाँ पर आ चुका है भाई, वो भी ग्रीन वाला, ये क्रीपर लग रहा है मेरे को। ओके 2D क्रीपर है भाई, भाई वो भाई ये तो उड़ रहा है। Hang on a second, अगर इसको फटेगा ये फटना जाएगा पीछे भाई साहब, भाई फट रहा है वो, क्या फटा यार ये, और निकला क्या उससे? कुछ भी नहीं। अरे यार मुझे लगा उससे कुछ टाइम निकलेगा। Hang on a second, नहीं कुछ निकला, पड़ा है कहाँ पर है कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पर तो। ओ भैंस की आंख, ये तो परेशानी हो चुकी है भाई, ये तो शार्क्स की जगह और माल भी आ चुका है भाई, ये तो प्रॉब्लम हो चुकी है भाई, ये तो फालतू की चीजें शहर के अंदर घुस रही है। सामने से और आ रहे हैं, सामने से और आ रहे हैं, वो देखो भाई सामने, ये रहे। ओके आपकी बारी, पानी जो एकदम से सर से ऊपर निकल चुका है, एंड फट से ये लो अपनी भी खाओ। और वेट, वहाँ से क्या मिला? क्रीपर, व्हाट क्रीपर, क्या मिला भाई? क्रीपर वाली सीड मिली। अभी इसको अगर मैं ग्रो करके देखूं तो यहाँ से मेरे को खतरनाक वाला माल मिल सकता है, फट 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 फट, एंड इसके ऊपर मेरे को मारना हो। यो क्रीपर तो भाई, ये वाला डायमंड तो बहुत ज्यादा मस्त लग रहे हैं, क्रीपर डायमंड्स, वेट व्हाट, मतलब कि इसकी भी कोई ना कोई रेसिपी हो। देखो कैसे नाच नाच के जा रहा है वो पागल बंदे, एनीवेज उसको मारते गोली, मतलब कि लॉगी इसकी भी कोई ना कोई रेसिपी होगी, आ जा देखते हैं क्राफ्टिंग टेबल के अंदर। ओके अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं और यहां पर लिखूं क्रीपर, ओ भाई साहब क्या भाई उसके अंदर क्या मिला आपको? क्रीपर ट्राइडेंट, व्हाट ये फोर्क मुझे लग रहा है भाई, वो अरे भाई कहाँ चला गया ये, इसके अंदर से क्या फटा क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ यार, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाकर देखूं तो एक्चुअली फटा। ओके अगर मैं यहाँ पर फेंक के देखूं तो ये देखो क्रीपर का सर गया, एंड डिस्ट्रक्शन। ओके तूने एक बात नोटिस की, जब मैं ये मार रहा हूँ ना तो मेरी इन्वेंटरी से जा रहा है, फट के वापस मेरे पास आ रहा है, पक्का इसके ऊपर लॉयल्टी लगी है यार। भाई ये मारो शार्क के ऊपर, अब इन शार्क्स की खैर नहीं है, भैंस की दुबई सिटी के ऊपर हमला करेंगी ये भैंस, ये लो आपकी बारी तो जाएंगी भाई, सारी शार्क्स यहाँ पर जानी चाहिए, नाइस नाइस नाइस, पूरा फट जाएंगे ये पूरा, देखो भाई खुद से मर रहा है वो वाला पागल बंदे, ये ले तेरे को तो मैं मारूंगा, ले भैंस की से तो कुछ हो भी नहीं रहा यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत जो है डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है। और मैंने भी ये बात नोटिस की, शार्क्स अभी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को लगा था कि मेरे को फॉलो करना बंद हो गई, एक को तो मैंने पूरा ही फोड़ दिया भाई, ये देख आगे यार तेरी, ये रहे इसके मुंह के अंदर मारो, एक और ले मुंह खोलियो, हेलो से चीज चीज बोलना है तेरी, क्या चीज बोलेगी तेरे सामने, एंड इसी के साथ ही थोड़ी बहुत और शार्क्स चली जा चुकी हैं। अरे यार आपने ये सब मार दी और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो चुकी है, क्या हो गया भाई? पिरामिड के पास और ज्यादा आ रही हैं भाई, पूरी आर्मी इनकी आ चुकी है यार, कुछ ना कुछ तरीका इनका होगा भगाने का यार इनको, भाई तेरे पास भी तो कुछ ना कुछ होगा यार, कब से गेम खेल रहे दोनों साथ में बैठ के? आई थिंक आपकी बारी, मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट रेसिपी आ चुकी है, ये देखो मेरे हाथ का मटन है, ये कौन सी रेसिपी है नुबड़ा? हाथ के अंदर माइक्रोवेव आ चुका है, भाई ये कौन सा बम है भाई? अरे ये देखो भाई मैंने यहाँ पर दो बना के रखे, ये लो अब एक आपका एक मेरा। ओके तो अगर मैं इसको यहाँ पर फेंक के देखूं ये क्या करता है भाई? ऑब्वियसली ये माइक्रोवेव है भाई, क्या करेगा ये यहाँ पे? नहीं 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 ये
मे भी हमें इसके अंदर डायमंड रखने हैं। क्या बकवास कर रहा है? अरे भाई ऑब्वियसली भाई हम यहाँ पर डायमंड की चीजें यूज कर रहे हैं, कस्टम डायमंड हमारे पास आ चुका है। डायमंड के अंदर डाल मेरे को देखना होता क्या है, कहीं फट ना जाए। मैं काम करता ब्रोस, मैं दूर से नजर लेता हूँ क्योंकि इसका भरोसा नहीं है। इसकी फालतू की रेसिपी जो है या तो हमें पार लगाएंगी या तो बिल्कुल पार लगाएंगी हमें। तूने डाल देखा डायमंड इसके अंदर? I think मैंने डाल दिया। अबे नॉर्मल डायमंड डाल। अच्छा नॉर्मल, अच्छा मैं ये ग्रास वाला डाल रहा हूँ। पागल बंदा, ओके तेरे को नॉर्मल डायमंड इसके अंदर डालना और मेरे को एक्चुअली चेक आउट कर। ओके आ गया, डाल दिया भाई। या तो ये फट जाएगी या तो कोई खतरनाक चीज अंदर से निकलेगी। भाई ये धू, अरे भाई एक नेक्स्ट सीड आ चुकी है, मैं दो तीन और डालता हूँ अंदर। डायमंड सीड विद व्हाट, ये कैसे हो सकता है? तो काम करता है, अगर मैं डायमंड सीड ग्रो करके देखूं तो मेरे को एक्चुअली चेक आउट करना है कि इससे निकलता क्या है। एंड फट से मारा, वो ये तो और भाई छोटे डायमंड आ चुके हैं, मिनी डायमंड आ चुके हैं। क्या लिखा इसके ऊपर? मिनी डायमंड। लगे इसी खतरनाक वाली रेसिपी अनलॉक हुई होगी। लगे मैं तेरे को इस बार सारे डायमंड दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ। बना के देख क्या बनता है भाई, क्योंकि ये रेसिपी तूने अनलॉक की है ना, तो ये इसका जुगाड़ भी तू ही लगाएगा। लेट्स गो। ओके एक भाई मुझे जरा ध्यान से देखते तो यहाँ पे क्या बना। क्या वो यहाँ पर तो भाई बड़ी खतरनाक चीज आ चुकी है। क्या बना? अरे ये देखो भाई मेरे पास खतरनाक गन आ चुकी है, रेगन आ चुकी है मेरे पास। अब इसके ऊपर बड़े वाला डायमंड भी लगा हुआ है, मेरे को भी देख। भाई मैंने यहाँ पर दो एक बार फिर से बना के रख दिए। अबे ये वाले मारता है शॉक्स के ऊपर। पहले टेस्ट तो कर दो भाई। वो पड़ जा भाई, उल्टी यहाँ पड़ जाए। अबे डायमंड फेंक के मारी है यार ये वाली गन तो। अरे वेट व्हाट, क्या हुआ भाई क्या हुआ? मैंने अभी देखा कि ये पानी के अंदर कुछ और तरीके से बिहेव कर रही है। अच्छा नहीं कर रही भाई, मेरे को लगा था मैं कुछ और ही देख लिया। मैंने कुछ हो तो रानिया भाई इस गन से। भाई एक मिनट भाई, मुझे इसका नाम एनालाइज करने दो। तो इसका नाम है पिस्टन ऑफ मिनी डायमंड, मतलब मे बी भाई ये चीजों को छोटा करती होगी। ये वेरी गुड थिंकिंग। एक काम करते हैं, आजा गोलम के ऊपर मारते हैं। हाँ भाई गोलम कैसा है? मार दो जवादी भाई पीछे मार। वो ये पिद्दी खाएंगे तेरे को, मैं एक ही बार में मार दूंगा। वाओ तेरी भैंस की आंख भाई, डैमेज वही कर रहा, लेकिन भाई इसकी हाइट एकदम से छोटी हो चुकी है। लॉग इसका मतलब ये है कि हम बड़ी शार्क्स को छोटा करके मार सकते हैं। लेट्स गो। हेलो शार्क्स जी, कैसे हो? ओ बड़ी शार्क हो गया, ले ले मैं तेरे को छोटा। किधर गई मेरी मशीन? ये रही। ओके अगर मैं आपकी बारी ट्राई करके देखूं तो किधर गई? ये रहा भाई, मेरा पूरा सामान गिरा के रख दिया इन लोगों ने। यार मेरी हेल्प करना यार। अरे छोटी हो तो रही है भाई, लेकिन फिर भी डैमेज इसका उतना ही है। इसको सबक सिखाने के लिए यही चीज बेस्ट है। किधर गई? इसका मुंह तोड़ता हूं। मेरी भैंस की ये ले। फोड़ दिया तेरे को मैंने। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इन शार्क्स को कैसे मारूं। अरे भाई मुझे अभी पूरी पहली समझ आ चुकी है, तो मुझे भाई यहाँ पर एक नई रेसिपी मिली है तेरे को। हाँ भाई मेरे पास नई रेसिपी आ चुकी है। क्या है तेरे पास? तो इस रेसिपी को क्राफ्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इस पानी के अंदर से जो भी मछली है हमें सबको लेकर आना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है? अरे भाई मैं सच बोल रहा हूँ। अरे तभी मैं कहूँ कि शार्क, जब मैं शार्क्स को मारता था ना तो मेरे को शार्क फिन मिलते थे, और अभी मैंने तीन चार शार्क्स मारी तो इसका मतलब ये है कि उनके फिन्स वगैरह यहाँ पर गिरे होंगे। और सामने सैल्मन भी घूम रही है, जाओ उसको भी पकड़ के लेकर। काम करो, शार्क के फिन लेके मैं सैल्मन लेके आता हूँ। यार पट से सैल्मन के ऊपर मैंने बाज़ूका मार के उसको एक ही भर में ले। शार्क ने मेरे को मार दिया, पिद्दी शार्क ने मार दिया। यार कर ले अब कंबाइन सब कुछ। अरे भाई मैंने बना दिया। ये देखो आपकी बारी, मेरे पास क्या आ चुका है? क्या है तेरे पास? आपकी बारी मेरे पास आ चुकी है एक्सलॉट सीड। वाह ये गेम में कब आया भाई? ओके अगर इसको मैं यहाँ पर ग्रो करके देखूं तो मेरे को एक्चुअली चेकआउट करना है कि यहाँ से क्या निकलेगा। अरे भाई क्राउच करके क्या कर रहे हो भाई? फट ना जाए तो ग्रो भी नहीं हो रहा। अरे भाई आपके पास ये पुराना हो कहाँ से आ गया? अरे मेरी हो गिर गई। अबे तेरे पास हो गया क्योंकि मच्छी ने मेरे को मारा और तूने उठा लिया होगा। ये ले घटिया वाली अपने पास रख। कितने क्यूट लग रहे हैं यार ये वाले तो। उठा लो और बाकी सब भी ग्रो करो। ओके मेरे को थोड़े बहुत और ग्रो करने पड़ेंगे। ओके तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके देखूं और यहाँ पे लिखूं एक्सोलॉटल, मेरे को क्या मिला? एक्सोलॉटल क्राउन। वेट इससे क्या होता है भाई? ये क्राउन भाई आपके पास कैसे आ चुकी है भाई? पहन के देखना इसको। फट मैंने पहना क्या? ये आपके साथ आ चुका है। ये कौन है? और मेरे को ये भी मिला थ्रोएबल एक्सोलॉटल, जिससे क्या होता है? वो फेंक के मार रहे हैं भाई। भाई क्या एनिमेशन है इसकी। आई थिंक ये पानी के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल का डैमेज करेगा ये। लेकिन अब की बारी मेरे को पानी के अंदर नहीं जाना, मेरे को दो तीन रेसिपीज और बनानी है, फिर एकदम से मिलके सारे मिलके पानी के अंदर जाके शार्क्स की बैंड बजाएंगे। ओके जब तक ये लोग टाइम पास कर रहे हैं अपना, इन द मीन टाइम मैं थोड़ी बहुत चीज यहाँ पर ग्रो कर लेता हूँ। ये भी ग्रो कर लो, ये भी ग्रो कर लो। और गाइज मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट से आप सब्सक्राइब भी कर दो। और तू कहाँ पर है भाई तू? भाई मैं एंडरमैन को भाई पास से सूंघने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है इसके अंदर डायमंड है भाई। इसको मैं छोटा करके मार दूं एंडरमैन के नोंडे। अच्छा तो एंडरमैन को तो मैं मार भी नहीं सकता भाई, इसके पास तो एम बॉट होता है। लॉक इसको मार, क्या कर रहा तू? अरे पकड़ो भाई, इसको भाई मार 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 मेरे को, मेरे को पकड़ लेगा। लॉक मार, क्या कर रहा तू? मैं मार रहा हूं इसको, पीछे से मारता हूं मैं। लग गया, मैं सीधा पानी के अंदर जा रहा हूं।
लॉगी ये बंदा बचने ना पाया यार, ये पागल हो चुका है मेरे को देख के। जो मेरे पास मस्त आइडिया है लॉगी, हम क्यों ना एंडोपल को कुक करें माइक्रोवेव के अंदर। डाल 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 डाल, लेट्स गो। पा दे लॉगी इसके अंदर डाल दे। ओके, अगर मैं इसके अंदर ऐसे क्लिक करके देखूं तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। कम ऑन। वो अरे ये क्या है, ये क्या निकला, क्या है तेरे पास भाई? इसके अंदर से एक सीड निकली जिसका नाम है पोर्टल सीड। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये है कि तू ये ग्रो करके इसको। भाई तेरे पास तो ग्रीन वाले थे भाई। ग्रीन वाले भाई, आई थिंक वो भाई वो पुराने वाले थे भाई, जो कलर निकल रहे हैं। कलर चेंज कर रहे हैं क्या? एक काम करते हैं फटाफट से, मैं ग्रो करता हूँ और भाई खतरनाक आइटम निकलने वाली है। फट फट वो भाई, पर्पल वाले डायमंड यहाँ पर आ चुके हैं। ग्रो कर, चल ग्रो कर इसको, ले ले इसका डायमंड टू ले ले। इन द मीन टाइम मैं थोड़ी बहुत और ग्रो करता हूँ। यहाँ पर भी डालो एंड यहाँ पर भी डालो, फट 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 फट। अरे भाई इससे काम कितना इजी हो रहा है अपना यार। ओके अभी मेरे को जाना है, क्राफ्टिंग टेबल तो टूट चुका है यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे पास स्पेयर वाला भी हाँ है। रुको फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पर और इसकी निकालते हैं नई वाली रेसिपी। क्या मिला क्या तेरे को? अरे भाई साहब, बड़ी खतरनाक चीज अभी आने वाली है जवादी भाई। क्या है ये? देखो मेरे हाथ के अंदर भाई, मैंने तो आते ही पहन लिया। मेरे को भी दे। ये लो भाई, ये वाली आप ही ले लो भाई। ओ तो भाई साहब, निकली खतरनाक सुपरमैन वाली कैप। इसे क्या होता है भाई? वाओ देखो भाई, ये प्रूफ यहाँ पर लिखा आ चुका है भाई। इसका मतलब क्या है? मैं टेलीपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा भाई, इसका नाम है डायमेंशनल केव। अगर मैं वहाँ अभी मैं बिल्कुल दुबई टावर के ऊपर देख रहा हूँ। एंड अबे नीचे आ जाओ भाई। यो भाई तूने देखा मैंने कैसे टेलीपोर्ट किया एक जगह से दूसरी जगह पर? ये देख तेरे पीछे, लेट्स गो। अभी शार्क्स की हम बैंड जा सकते हैं लॉगे। अभी तो अपनी इन्वेंटरी सेट कर ले। अभी शार्क्स की खैर नहीं है, तो मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और जैसे ही शार्क्स अपने पास आ जाएंगे ना, हम फुर करके निकल जाएंगे। कम ऑन देन शार्क्स, अभी तुम्हारी खतरनाक लेवल की बैंड बजने वाली है। चेस्टों के पास खड़ी है, चेस्टों के पास किधर है? मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को लगता है कि एकदम से मेरे को एम्बुश ना कर ले ये लोग यहाँ पर। ये ले फट से गोर ले यार। क्या हो गई, तुम लोग मेरे को पकड़ोगे भाई? मेरे पास खतरनाक वाली पावर है, मैं टीपी कर सकता हूँ एक सेकंड के अंदर। ओके अभी एक बार फिर से मेरे को पानी के अंदर जाकर टीपी करना है और इनके ऊपर हमला करना है। और अब की बार हमला करेंगे ये क्रीपर वाली मैजिकल पावर के साथ। ये ले ओसलॉट खा, ये ले एक और का ओसलॉट। तो मुझे नहीं मार पाएगी। अरे आई थिंक वो कैंपिंग कर रही है, एक्चुअली वो डर चुकी है एंड फट से टेलीपोर्ट करके बाहर। और आप भी अपना शार्क्स जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और इसी के साथ ही पूरी शार्क दुबई सिटी के अंदर से जा चुकी हैं। और जाने से पहले एक बार फिर से मुझे अपना कोस्ट चेकआउट करना है एंड लेट्स गो भाई, अपना कोस्ट एकदम से क्लियर। तो चलिए गाइस, हमने इसी के साथ ही शार्क्स का एकदम से खात्मा कर दिया। तो चलिए गाइस, मैं और लॉगी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।